हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एंट्रीज पास करवाए थे, एंट्रीज आप लोग को बताया है, लेकिन मैं आज पूरे फॉर्मेट के साथ आप लोग को जर्नल एंट्रीज बताने वाली हूँ। जनरली इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जर्नल एंट्रीज में। तो आज एकदम ईजी वाला क्वेश्चन है, ईजी लेवल क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, और किस तरीके से फॉर्मेट के साथ आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2011 जुलाई 1, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जुलाई 2011 में संदीप जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट है जुलाई 2, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, और यहाँ पे परचेस कर रहे हैं फर्नीचर कैश में, हम लोग अमाउंट दिया हुआ है 1000। फिर जुलाई 5 में परचेस गुड्स फॉर कैश, हम लोग गुड्स भी परचेस कर रहे हैं कैश में, 3000 अमाउंट दिया हुआ है। जुलाई 7 में ब्राउट गुड्स फॉर कैश, हम लोग फिर से परचेस कर रहे हैं गुड्स कैश में। एंड जुलाई 10 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोग जो है कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अब आइए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा। ऊपर में हेडिंग में हम लोग को लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो जर्नल एंट्रीज के नीचे जस्ट एक ब्रैकेट में हम लोग को लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, किसी का भी नाम रहेगा उनका नाम हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मेट इस तरीके का बनेगा, पहले डेट का कॉलम रहेगा, फिर पर्टिकुलर्स रहेंगे, फिर LF रहेगा, फिर अमाउंट का दो कॉलम रहेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग का था, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो संदीप जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। तो हम लोग का पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हम लोग कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग एंट्री कर दिए हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 20,000 हम लोग अमाउंट में डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 1000। हम लोग फर्नीचर परचेस्ड कर रहे हैं कैश में, तो यहाँ पे फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 अमाउंट में पुट कर देंगे बीइंग फर्नीचर ब्राउट। उसके बाद हमारा थर्ड है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, तो हम लोग देखते हैं इसका एंट्री क्या होगा। इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम लोग परचेस कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को हम लोग यहाँ क्रेडिट किए हैं। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश अमाउंट में हम लोगों ने 3000 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जुलाई 7 बाउट गुड्स फॉर कैश 5000। बाउट का मतलब भी होता है परचेस करना, तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ भी हम लोग गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट लिखेंगे और हम लोग अमाउंट पुट करेंगे 5000 बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में 10000, तो इसका हम लोग एंट्री देख लेते हैं। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 10000 हम लोग पुट कर देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोग के पास से कैश यहाँ भी जा रहा है, हम लोग बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश क्या हो जा रहा है क्रेडिट हो जा रहा है और बैंक अकाउंट डेबिट हो जा रहा है। फिर लास्ट में हम लोग ग्रैंड टोटल कर देते हैं, जितने भी अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट के जितना भी अमाउंट है सबको हम लोग टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं 39000। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।